वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबा कर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशन। चक्रवाती तूफान निवार बुधवार रात को तमिलनाडु और पुडुचेरी के तटों पर टकराता हुआ उत्तर पश्चिम की ओर रुख कर चुका है। पुडुचेरी और तमिलनाडु के कई हिस्सों में लगातार बारिश जारी है। निवार ने तमिलनाडु और पुडुचेरी में काफी नुकसान पहुँचाया है। तमिलनाडु के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी अतुल्य मिश्रा के मुताबिक इस तूफान की वजह से राज्य में अब तक 3 लोगों की मौत हो गई है जबकि 3 लोग घायल हुए हैं। निवार के कारण 101 घरों को नुकसान पहुंचा है। मिश्रा ने बताया कि तूफान के कारण 380 पेड़ उखड़ गए हैं जिन्हें रास्तों से हटा दिया गया है। सभी आवश्यक सेवाएँ पूरी तरह से बहाल कर दी गई हैं। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी अतुल मिश्रा ने न्यूज एजेंसी ANI को बताया कि सुरक्षा उपायों के तहत तमिलनाडु में करीब 2.5 लाख लोगों को रिलीफ कैंप में रखा गया है। अभी स्थिति का आकलन किया जाएगा, उसके आधार पर मुख्यमंत्री के पलानी स्वामी किसानों के लिए मुआवजा और बीमा भुगतान का ऐलान करेंगे। पुडुचेरी में तूफान ने भारी तबाही मचाई है लेकिन वहां अभी तक मौत की कोई खबर नहीं है। पुडुचेरी और आसपास के क्षेत्रों में निवार चक्रवात के कारण गुरुवार को भारी बारिश हुई, इससे कई पेड़ उखड़ गए, बिजली के खंभों भी गिर गए। हालांकि राज्य में अभी तक किसी की मौत की खबर की रिपोर्ट नहीं हुई है। तेज बारिश से कई इलाकों में जलभराव हो गया है।